सात साल से है खासदार, सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? उनका एक एक प्रोजेक्ट बताइए जो माननीय सांसद जी ने नवी मुंबई के लिए लाया है। वो दीघा का रेलवे स्टेशन की बात करते, दीघा का वो भी कहीं दिख नहीं रहा है, बन रहा है, कब आएगा वो रेलवे स्टेशन? सिर्फ एक कहीं रेलवे स्टेशन पर एलिवेटर लगा दिया, उसका उद्घाटन कर दिया, वही दिखा दिया, कहीं जिम बना दी उसका उद्घाटन। भाई आप सांसद है, सांसद यानी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप ला सकते हैं, और नवी मुंबई जैसे एक एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जिसको कहते हैं ना, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जनता है, आपके नए नए इनोवेटिव चीजों को रिस्पांस देने वाले लोग हैं, वहां पर आपने दिमाग लगाकर नई चीजों को टेक्नो सिटी बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकली कुछ एनहेंस चीजों को कुछ सोचिए ना। दूसरा का श्रेय लेना बहुत आसान है, लेकिन आपने क्या किया सात साल में, इसका तो ब्यौरा कहीं ना कहीं, मतलब हमारा एक वार्ड का नगर सेवक जो है ना, वो भी हर साल अपने कार्य अहवाल छापता है, छापता है बिल्कुल, 10-15-20 पेज का। अरे आप सांसद है, इतने 6 विधानसभा क्षेत्र है आपके पास, तो आपने क्या काम किया, कभी तो कार्य अहवाल छपवाइए और मीडिया को दीजिए। ऐरोली काटई का वो अंडरग्राउंड टनल है, एलिवेटेड रोड है, शिव फाटा का टनल है, उसका आप ये करने जाते हैं। अरे भाई वो तो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब पास हुआ है। आपने क्या किया नवी मुंबई की जनता के लिए, एक चीज बताइए ना, भले हमें मत दीजिए, हम विरोधी पार्टी के, मीडिया को दीजिए ना, आपने क्या रिजल्ट दिया है लोगों को वो तो बताइए। और मैं मतलब दोनों बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से जीते हुए, और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके लिए तो मैंने जी जान लगाकर 2014-2019 दोनों बार काम किया हुआ है, तो मेरा तो ये अधिकार है बोलना उनके लिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।